हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैसाना में जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा आज जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई, जिसका कलेक्टर मेहता ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर तुरंत प्रभाव से समाधान करने के आदेश दिए। जन सुनवाई कार्यक्रम में सोजत उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीर, सोजत तहसीलदार रवि शेखर, विकास अधिकारी डॉक्टर सुनीता परिहार, सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम, ग्राम पंचायत भैसाना सरपंच उमराव कंवर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता इन्होंने ये कहा, आप लोगों ने आज जो परिवार दिए, वैसे कोई बहुत व्यक्तिगत नेचर के परिवार कम थे, पर फिर भी जो जो परिवार पे आवश्यक कार्रवाई है वो सभी विभाग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले 10-15 दिन में आपके जो समस्या है उनको हम कुछ हद तक समस्याओं को कम कर सके। मैं विशेष रूप से जो हमारे ग्राम स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है और भी दूसरे लोग हैं, स्कूल में जो हमारे कार्यरत अध्यापकगण हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा कटिंग एज पर हो, सर जहाँ सीधा आपका ग्रामीणों से संवाद रहता है। हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके स्तर पर ही निस्तारित हो जाए उनको आवश्यक रूप से निस्तारित कर देना चाहिए। यदि एक ऐसे प्रकरण के लिए जो मेरा पटवारी कर सकता था या ग्राम सेवक कर सकता था, उसके लिए व्यक्ति को इन जन सुनवाइयों में आना पड़े या जिला पर आए या उपखंड अधिकारी के पास जाए, तो ये ठीक नहीं है। और इतनी सारी योजनाएं हम चलाते हैं, इतना सारा सरकार का पैसा हम लगा रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार के अभी एक दो प्रकरण आए, तो वैसे प्रकरण नहीं आने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको किसी भी प्रकार से, थोड़ा हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा आपके एंड से करना पड़े तो वो भी करें, पर जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, परिवार को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शासन की, उसके साथ आवश्यक रूप से खड़ा करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप ही सभी मेरे जो अधिकारी साथी है, आप लोग उस भावना के अनुरूप जन सुनवाई में जो प्रकरण मिल रहे हैं उनका निस्तारण करेंगे और कोशिश करें कि नियमों की इंटरप्रिटेशन को इस प्रकार से करें कि उससे इनके इश्यूज कम हो। ऐसे ना करें कि आप होते हुए काम को भी मटकाने की कोशिश करें, ये अपनी मंशा नहीं करनी चाहिए, भावना नहीं करनी चाहिए। और आप लोग हमेशा पुरानी जन सुनवाइयों में भी सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया, उसको बनाए रखें और सारे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें। मैं सरपंच साहिबा से भी और बाकी सभी ग्रामीण जन से भी कहना चाहूँगा कि आपके SDM साहब, तहसीलदार जी, BDO सब लोग एक्टिव है, फील्ड पर भी रहते हैं, काम भी करते हैं। कोई भी आपकी समस्या हो, पहले आप अपने SDM साहब की और तहसीलदार जी BDO की जानकारी में लाए, इनके स्तर से भी अगर आपको लगे किसी का हल नहीं हो रहा है तो फिर आप जिला स्तर पर उसको हमारे जानकारी में लेके आए ताकि हम उस पर जो कार्रवाई करनी है हमारे स्तर पर उस पर करवाएंगे। कुछ आपके प्रकरण शासन से संबंधित हैं, जैसे पदों की वैकेंसी के बारे में और दूसरी स्थितियों के बारे में, तो हम सरकार को भी अवगत कराएंगे कि यहाँ पे जल्दी पदस्थापन करें अधिकारियों का, टीचर्स का, ताकि जो कमियाँ रह रही है एजुकेशन के क्षेत्र में उसको पूरा कर सके। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।